हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेबटेक जोन। आज हम सीखेंगे दोस्तों हाउ टू ऐड्स रिमाइंडर टू द गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर आप रिमाइंडर्स अलग अलग रिमाइंडर चाहे मीटिंग को हो, बर्थडे हो, आपके अलग अलग इवेंट्स हो, कैसे आप ऐड कर सकते हो वो आज मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग, जो भी दोस्त लोग, जो भी बहन लोग, जो भी यहाँ पे आए हैं वीडियो देख रहे हैं, उनको सबसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ 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 अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का बटन है, इसको प्रेस कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस है नहीं दोस्तों। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों जाते हैं कैलेंडर पे, कैलेंडर पे नहीं डायरेक्ट गूगल पे जाते हैं, तो आपको सब दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट कैलेंडर में। कैसे जो नए लोग होते हैं उनको भी दिखाना पड़ता है, तो गूगल में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी पे आप कैलेंडर आपका है वहाँ पे जाइए, ईमेल आईडी लॉगिन कीजिए, नहीं है तो ऐड कीजिए। अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कैलेंडर में आपको जाना है, यहाँ पे कैलेंडर आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो नीचे आ जाइए, मोर फ्रॉम गूगल्स पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको कैलेंडर 100% मिल जाएगा नीचे। ओके, तो यहाँ पे मैं कैलेंडर पे जाता हूँ, कैलेंडर मेरा ओपन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैलेंडर्स, मेरे बर्थडे कैलेंडर्स है, ये वो सब है। तो इसमें कुछ मुझे ऐड करना है, आज अप्रैल चालू है दोस्तों, अप्रैल में मुझे कुछ ऐड करना है 9 तारीख को। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद ये वाले इवेंट्स आ जाएंगे। टाइटल लिखना है जो भी है, मैं टाइटल लूँगा ऑफिस मैनेजर्स मीटिंग जो भी है। डेट लिखूँगा कौन से डेट को है, तो मैं डेट लिखूँगा 14 तारीख को है, 14 तारीख को है। ओके, और यहाँ पे आपको टाइमिंग लिखना है कौन से टाइमिंग पे है ये, 9 बजे, 10 बजे, 10, 11 बजे, इसको रिपीट करना है। ओके, रिपीट नहीं करना है, अगर रिपीट करना है तो टाइम आपको यहाँ पे जो इसे वीकली ऑन वेनसडे आपको करना है तो कर सकते हो। ओके, ये मैंने टाइम भी लिख दिया सब। अभी आपको क्या करना है, लोकेशन डालना है, लोकेशन आप डाल सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो यहाँ पे। नोटिफिकेशन मतलब ये क्या होता है, आपका अगर मीटिंग 10 बजे चालू हो गया है तो उसके पहले कितने देर के पहले आपको नोटिफिकेशन आए कि भाई अभी आपकी मीटिंग है, तो 30 मिनट पहले हमको नोटिफिकेशन चाहिए। आपको कम करना है कम कीजिए, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। मैं 20 मिनट के पहले मुझे नोटिफिकेशन चाहिए सबको। अभी यहाँ पे मेरा कैलेंडर ये है, कलर बिलर बिजी, इविजिबिलिटी आपको क्या करना है, फ्री बिजी जो भी रखना है आप रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी पब्लिक में रखना है क्या प्राइवेट में रखना है, जिसके साथ आपने कैलेंडर शेयर किया है उसको आपको पब्लिक रखोगे तो उनको दिखेगा, प्राइवेट करोगे तो किसी को नहीं दिखेगा, डिफ़ॉल्ट करोगे तो आप बिजी फ्री जो भी है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मीटिंग में आपको किसको ऐड करना है, तो मीटिंग में आपको इन्विटेशन भेजना है तो भेज सकते हो, तो जिस भी बंदे को आप भेजना चाहते हो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इन्विटेशन सेंड करना पड़ेगा, तो ये इन्विटेशन सेंड हो जाएगा उस बंदे को। ये देखिए वो एक्सेप्ट करेगा तो ये इस डेट को ये यहाँ पे आ जाएगा। सेव कीजिए, मैनेजर मीटिंग सेंड करना इन्विटेशन जिस जिसको आपने ऐड किया है, सेंड कीजिए ये यहाँ पे मीटिंग विद स्टाफ या मैनेजर मीटिंग जो भी है ये यहाँ पे आ गया है। ओके, ओके, मैनेजर मीटिंग ये देखिए आ गया है। बर्थडे बर्थडे रिमाइंडर करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको गूगल कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा। गूगल कॉन्टैक्ट्स में आपको बर्थडे पहले ऐड करना पड़ता है गूगल कॉन्टैक्ट्स में जाके, और वही ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग, नाम जो भी लिखना है, नंबर, ईमेल आईडी आप लिख लीजिए। शो मोर पे जाएंगे तो नीचे बर्थडे आ जाएगा, ये देखिए। तो बर्थडे में लिखता हूँ मंथ 4th 20 तारीख को, ये मैंने देखो 20 तारीख को बर्थडे क्रिएट किया है, सेव कर लेता हूँ, हो गया सेव। अब यहाँ पे देखिए 20 तारीख को कोई बर्थडे नहीं है, सॉरी अप्रैल 20 तारीख को कोई बर्थडे है नहीं, लेकिन मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे बर्थडे आ जाएगा, ये देखिए बर्थडे आ गया। तो बर्थडे दोस्तों कॉन्टेक्स्ट से आता है, बाकी सब यहाँ पे जितने चाहिए आप कैलेंडर सॉरी इवेंट्स
कैलेंडर क्रिएट कर सकते हो और उस कैलेंडर में आप इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही रिमाइंडर रख करते हैं गूगल कैलेंडर में। दोस्तों आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर